हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड में आर्मी ऑफिसर्स पर फिल्में बनाने का चलन सा चल गया है, जिनमें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, हॉलीडे जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में अब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है। वहीं नए साल की शुरुआत होते ही फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। इस फिल्म में अजय देवगन भारतीय वायुसेना के पायलट बनने जा रहे हैं। पोस्टर में दिख रहा है कि अजय देवगन एयरफोर्स पायलट की वर्दी में सिंघम स्टाइल की मूंछों में जबरदस्त लग रहे हैं। उनके पीछे वायुसेना का एक प्लेन खड़ा है। बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक दुधाइया कर रहे हैं और उन्होंने ही ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर जारी किया है। फिल्म में अजय देवगन का लुक जबरदस्त लग रहा है, साथ ही फैंस को भी फिल्म का पोस्टर काफी पसंद आया है। आप देख सकते हैं कि लोग लगातार इस पोस्टर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि अजय इससे पहले कई फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल में देखे जा चुके हैं, लेकिन इस बार वो एयरफोर्स के पायलट के रूप में दिखाई देंगे और पहली बार अजय देवगन वायुसेना के कोई अधिकारी का किरदार निभाते दिखेंगे। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड होगी और फिल्म में अजय देवगन विजय कार्ने की भूमिका में होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो कार्ने 1971 के युद्ध में भुज के एयरबेस के इंचार्ज थे और पाकिस्तानी की बमबारी के बावजूद उन्होंने एयरबेस को ऑपरेशनल रखा था। वेल, देखने वाली बात तो ये होगी कि फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों को कितनी पसंद आती है। बता दें कि ये फिल्म इसी साल यानी कि 14 अगस्त 2020 को रिलीज होने वाली है, जिसमें अजय के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, राणा दग्गुबाती, एमी विर्क भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। वैसे आपको फिल्म का पोस्टर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।